आज हम टकारा का मॉडल T66 के बारे में बात करेंगे। T66 में आपको 2.5 इंची के स्पीकर लगे हुए मिल जाएंगे। इसका पावर ऑन बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं इसकी लाइट ग्लो हो जाएगी। इस मॉडल में आपको 12-13 कलर की LED लाइट्स दी हुई हैं। ब्लूटूथ मोड, इसमें आपको ब्लूटूथ, FM, पेन ड्राइव और ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको जिस कंडीशन में ऑफ करेंगे उसी कंडीशन के मोड पे चालू होगा। मतलब मैंने इसको ब्लूटूथ पे लास्ट ऑफ किया था तो अभी ब्लूटूथ पे चालू हुआ। अगर आप इसको ऑक्स पे ऑफ करके चालू करेंगे तो अगली बार भी ऑक्स पे होगा। ब्लूटूथ पे कनेक्ट करने के लिए आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ चालू कीजिए। ब्लूटूथ चालू करके आप मोबाइल के पेयरिंग डिवाइस पे जाएंगे। यहाँ पे इसका नेम से आ जाएगा टकारा। आप इसको पेयर कर लीजिए। कनेक्टेड, जैसे कनेक्टेड बोल देगा तो ये ब्लिंक, जो ब्लूटूथ पहले ब्लिंक हो रहा था, ये ब्लिंक बंद हो जाएगी। आप जैसे इस पर पेन ड्राइव डालेंगे तो इसका USB मोड चालू हो जाएगा। USB मोड लिखा जाएगा यहाँ पे। USB ड्राइवर मोड। इसका वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है, यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसका प्रीवियस ट्रैक का दिया, आपको गाना पीछे करना है उसके लिए, गाना नेक्स्ट करना है उसके लिए, और ये प्ले पॉज का बटन है। इसके अलावा ये इसका मोड बटन दिया हुआ है। मोड बटन दबाएंगे तो जैसा अभी ये पेन ड्राइव मोड पे था, अभी ऑफ पे चले गया। AUX मोड से आप इसको अपनी TV से, कंप्यूटर, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं वायर के थ्रू। तब यहाँ पे AUX वाले में एक केबल लगा के अटैच करना पड़ेगा। वापस आप यही मोड वाला बटन दबाएंगे तो ब्लूटूथ पे चले गया। एक और बार दबाएंगे तो रेडियो मिर्ची FM मोड पे चले जाएगा। संगीत का जब समन्वय हो जाता है, एक बेहतरीन समन्वय होता है और खूबसूरत तरीके से अगर उसे सबको बांध लिया जाता है तो एक अच्छा डांस सीक्वेंस तैयार हो जाता है। और उसको अगर आपको इसका FM स्कैन करना हो, अगर आपको सिग्नल नहीं मिल रहे हो, तो आप यही प्ले वाला बटन एक बार प्रेस करेंगे तो ये स्कैन पे चले जाएगा। FM के अलावा इसमें आपको साथ में 2 माइक मिलेंगे, 2 वायरलेस आपको माइक मिल जाएंगे। एक इसका रिमोट आएगा, इसकी मैनुअल आएगी और एक चार्जर रहेगा। माइक भी चलाना बहुत आसान है। आप माइक की कैप ऐसे खुल जाएगी, यहाँ पे आप 2 बैटरीज डाल के इसका स्विच दिया है माइक का, ये आप चालू कर दीजिए तो यहाँ पे लाइट इंडिकेशन आ जाएगा। हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 हेलो। ये 2 वायरलेस माइक के अलावा आप चाहें तो 1 माइक वायर वाला भी आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब 2 माइक जो आपको साथ में वायरलेस है प्लस 1 माइक, आप 3 माइक इस पर चला सकते हैं। इसके अलावा इसमें बटन्स में यहाँ पे LED का बटन दिया हुआ है। ये LED बटन से आप चाहें तो मैं अगर इसको एक बार प्रेस करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसका मोड थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया। अगर इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो ये इसकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। अब अगर मुझे इसकी लाइट्स वापस ऑन करनी है तो यही वाला बटन मैं वापस से एक बार प्रेस कर दूंगा तो ये लाइट्स इसकी ऑन हो गई। बाकी इसमें एक रिपीट का फंक्शन आता है। ये रिपीट वाले फंक्शन से आपको एक ट्रैक, आप चाहें अगर आपको रिपीट पे, लूप पे चलाना है तो इसको आप उसको रिपीट पे डाल दीजिए तो वो ट्रैक रिपीट पे बच जाएगा। इसमें मल्टी फंक्शन में यहाँ पे प्ले वाले बटन पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये TWS मोड पे चले जाएगा। TWS मोड से एक ही स्पीकर का यूनिट आप चाहें तो दूसरे स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। तो मैं ब्लूटूथ पे जो भी इसे बजाऊंगा वो दूसरे यूनिट पे भी बच जाएगा। इस स्पीकर को TWS फंक्शन यूज़ करने के लिए आप इसका मोड बटन दबा के ब्लूटूथ पे छोड़ दीजिए। ब्लूटूथ पे छोड़ के जैसे ही आप इसको भले ब्लूटूथ पे कनेक्ट करना चाहे तो कनेक्ट भी कर लीजिए, नहीं कनेक्ट कराओ तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बटन TWS वाला जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला बटन आप इसको लॉन्ग प्रेस कर लीजिए, ये बीप करके साउंड बनाएगा। और आपका स्पीकर का जो दूसरा यूनिट जो है आपके स्पीकर का, उसको आप चालू कीजिए। उसको चालू करने के बाद आप यही वाला बटन TWS वाला बटन दबा के रखेंगे तो एक और बीप कर देगा। ये थोड़ी देर में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और इसका ब्लूटूथ जो ब्लिंक हो रहा था वो ब्लूटूथ ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। अब जैसे ही आप ट्रैक कुछ भी आपके कनेक्ट प्ले करेंगे
वॉल्यूम कम करेंगे तो दोनों की कम हो जाएगी, और एक की बढ़ाएंगे दोनों की बढ़ जाएगी। इस मोड को यूज करके आप दोनों स्पीकर को वायरलेसली जोड़ सकते हैं, और ये एक राइट चैनल बन जाएगा, एक लेफ्ट चैनल बन जाएगा, तो आप इसका ऐसा टावर, डबल टावर जैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। इसका रिमोट में आपको ये सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, पावर ऑन ऑफ, म्यूट, कोई एक गाने को रिपीट पे चलाना, मोड। एक इसमें साउंड बटन दिया होता है, उससे आपको इक्वलाइजर मोड मिल जाएंगे, और एक रिकॉर्डिंग का भी बटन दिया हुआ है। अब जैसे मैं एक पेन ड्राइव लगाता हूँ इसमें, साउंड बटन जैसे जैसे दबाऊंगा तो इसमें इक्वलाइजर मोड चेंज हो जाएंगे, पॉप, रॉक, एंड ऑफ। मोड में ही आपको रिकॉर्डिंग का भी बटन दिया हुआ है, आप एक पेन ड्राइव इसमें डालिए, पेन ड्राइव डाल के यूएसबी मोड पकड़ लेगा, और ये रिकॉर्डिंग का जो बटन दिया हुआ है ये आप इस पर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू दिखा देगा। एक बार इसे रिकॉर्डिंग जैसे चालू हो जाएगी, आप अपना माइक लीजिए, जैसे जैसे इसे रिकॉर्डिंग करेंगे इस पर एक टाइमर लिखा जाएगा, जितनी देर की रिकॉर्डिंग भी इतना हो इस पर सेव कर देगा। ये पेन ड्राइव से आप चाहे बाद में तो इसको किसी भी कंप्यूटर में डाल के आप इसको शेयर कर सकते हैं। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो। जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाए आप यही रिकॉर्डिंग वाला बटन वापस से प्रेस कर लीजिए। हेलो हेलो माइक चेक, ये मेरी रिकॉर्डिंग से उठा ली। हेलो हेलो 1 2 3। आप जैसे जैसे इस पर रिकॉर्डिंग करेंगे इस पर एक टाइमर लिखा जाएगा, जितनी देर की रिकॉर्डिंग भी इतना हो इस पर सेव कर देगा। ये पेन ड्राइव से आप चाहे बाद में तो इसको किसी भी कंप्यूटर में डाल के आप इसको शेयर कर सकते हैं। हेलो हेलो माइक चेक। ये स्पीकर बैटरी पे भी चलेगा, करंट पे भी चलेगा, आपको साथ में इसका एक चार्जर आएगा। ये स्पीकर बैटरी पे आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप देगा। ये वाला हिस्सा आप चार्जर का यहाँ पे प्लग कर दीजिए, और ये वाला हिस्सा जैसे आप इसको लगाएंगे LED है। तो यहाँ पे आपको एक LED लाइट दिख जाएगी, थोड़ा पास लेना, ये एक LED लाइटिंग आ जाएगी इसमें। जैसे जैसे चार्ज होगा वैसे वैसे ग्रीन हो जाएगा, आप इसको बंद में भी चार्ज कर सकते हैं, और जैसे आप इसको प्लग आउट करेंगे तो ये चार्जिंग इसकी हट गई। थैंक यू।